यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी में हमारा पार्टिसिपेट करता है? अमित कुमार, तो सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। प्रारंभ से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोग जब सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो जो नेचर से जुड़ा हुआ इकोनॉमी होता है, यानी नेचर से जुड़ा हुआ जो एक्टिविटी होता है, नेचर से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो कहलाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। बीच में इतने बच्चे जुड़ते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो सेक्टर तीन तरह का है, पूरे इकोनॉमी को तीन पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हमने अपने एक्टिविटी को भी देखा था, पूरे एक्टिविटी को तीन पार्ट में बांटा गया था, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। तो इस तरीके से हम सेक्टर को समझते हैं कि जब प्राइमरी एक्टिविटी को अगर आप समझ चुके होंगे तो प्राइमरी सेक्टर भी समझ में आ जाएगा कि वैसा सेक्टर जो प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो और वहां पे जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेस से हो रहा है। मींस व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो नेचुरल रिसोर्सेस से जुड़े हुए एक्टिविटी जिससे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम भी हमने इसका जिक्र किया था कि दिस दोज एक्टिविटीज विच कवर्स नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वैसा एक्टिविटी जिसमें वो चीजें कवर की जाती है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके, मैन्युफैक्चर करके, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए वो दूसरे रूप में फाइनल गुड्स में तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी फेमस है, इसको सेकेंडरी एक्टिविटीज के तहत परफॉर्म किया जाता है। तीसरा है आपका टर्शियरी सेक्टर। दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये वो एक्टिविटीज है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज की मदद से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर की मदद से डेवलप किया जाता है। दीज एक्टिविटीज बाई देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड, ये गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता, सामान नहीं बनाता है, पर उस सामान को बनाने में अपना योगदान निभाता है। कैसे? तो बाई प्रोवाइडिंग देम एड एंड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको सपोर्ट करता है कि वो प्रोडक्शन कर सके, उसको सपोर्ट करता है कि वो लोगों तक अपना सामान पहुंचा सके, सर्विस पहुंचा सके। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज टर्शियरी एक्टिविटीज में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक माध्यम है जिसके जरिए हम सामान को प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक और सेकेंडरी सेक्टर से मार्केट यानी बाजार तक इसको पहुंचाते हैं। तो एक तो आपका हो गया ट्रांजैक्शन जिसके तहत आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है किसी भी गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना। तो गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई द ट्रक्स। अब जब हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेस, यानी कि बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री में क्या था कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट यूज करते हैं,
वो मार्केट में डायरेक्ट यूज नहीं होता है, बल्कि वो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट बनता है वो किसी इंडस्ट्री के लिए ही बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये सभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे काम करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड करते हैं। बेस प्रोवाइड करना मतलब जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना मशीनरीज बनाती है, वो प्राइमरी सेक्टर की मदद से बनाती है। तो ये सारी चीजें जो है ट्रक और ट्रेन के माध्यम से वहां तक पहुंचता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे गुड्स हैं जो डायरेक्ट मार्केट में बेचा जाता है, उसको होलसेल और रिटेल शॉप तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सर्विस है वो है आपका स्टोरेज। स्टोरेज कैसे इम्पोर्टेंट है? तो स्टोरेज की अगर बात करें तो एट दैट टाइम इट इज नेसेसरी टू स्टोर दिस प्रोडक्ट इन गोडाउन्स विच इज ऑल्सो अ सर्विस मेड अवेलेबल एंड कम्युनिकेशन टेकिंग टू अदर ऑन टेलीफोन्स। यानी कि जब आप कोई सामान फैक्ट्री में बनता है, वो फैक्ट्री से निकलकर वो पहुंचता है गोडाउन तक, गोडाउन में उसको जमा किया जाता है। जब वो गोडाउन में जमा हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन की मदद से आप इन सारे चीजों को मार्केट तक पहुंचाते हैं बाय टेलीफोनिक। तो मार्केट से पहुंचा ट्रांसपोर्ट, पहले आप देख लीजिए इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री से जब आएगा तो कहीं ना कहीं स्टोरेज होगा। तो मार्केट में पहुंचाने से पहले स्टोरेज करना जरूरी है, यानी स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये स्टोरेज का प्रोसेस भी जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में आता है। फिर तीसरा है कम्युनिकेशन, जिसमें आप क्या करते हैं कि टेलीफोन की मदद से आप कस्टमर से बात करते हैं, या फिर होलसेलर से बात करते हैं, या रिटेलर से बात करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब क्या है, ये भी एक सर्विस है। जैसे कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज जैसे जो ई कॉमर्स साइट है उसका यूज करते हैं। तो ये सारे ई कॉमर्स साइट हमें क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। सेम उसी तरीके से आ जाइए बैंकिंग, बैंकिंग भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, लेकिन ये जितने भी चीजें हैं ये सभी क्या करते हैं, ये सर्विस को जनरेट करते हैं। और ये चूंकि सर्विस को जनरेट करते हैं इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि इसे सर्विस सेक्टर क्यों कहा जाता है। अब एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए। जैसे आपने नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे तीन एक्टिविटी आपने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। प्राइमरी में आपका आ गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सभी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड आ गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आ गया। टर्शियरी में जितने भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस, अकाउंटिंग, ये सभी के सभी टर्शियरी सेक्टर में आ गए, यानी कि सर्विस सेक्टर में। उसी तरीके से ओनरशिप के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ भी दो तरह का सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। इसको भी आपको समझना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर क्या है, इसे हम देख लेते हैं आगे इसका जिक्र किया गया है कि नहीं। तो इसका हम यहाँ पे जिक्र जरूर कर देना चाहेंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या है। पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में क्या आता है, तो ये वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। और जब भी कोई सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा
ओन किया जाता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमेशा वेलफेयर ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। इसका एकमात्र मोटिव होता है कि किसी भी तरीके से पब्लिक को सेव किया जाए, पब्लिक को फायदा पहुंचाया जाए, है ना। सो इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज जैसे कि रेलवे। इसमें नफा और नुकसान की बात सरकार नहीं करती है, और सरकार का मेन जिम्मेदारी यहाँ होता है कि पब्लिक को किस तरीके से सुविधा मुहैया कराया जाए, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पुलिस, आर्मी, ये सभी जो है वो पब्लिक सेक्टर्स के। वही दूसरी ओर अगर बात करें तो एक सेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, तो ये ओन किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति इसका मालिक होता है। यानी कि यहाँ पे मोटिव होता है कि वाइड रेंज जो है, यानी ज्यादा से ज्यादा तरीके का सामान लोगों के बीच में पहुंचाया जाए और उस पे ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जाए। तो जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन में आ जाएंगे तो आप देखेंगे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस मतलब जियो का ही। उसी तरीके से अगर आप आ जाएंगे स्टील इंडस्ट्री में तो टिस्को आपका है, टिस्को। इसके अलावा आप आएंगे तो एक बड़ा नाम है बजाज का। तो ये सभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर से। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्किंग कंडीशन के हिसाब से भी सेक्टर को डिवाइड किया गया है। ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर था, इस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को हमने ओनरशिप के आधार पे डिवाइड किया था, ओनरशिप के आधार पे यहाँ पे डिवाइड किया गया था। अब जो बात हम लोग करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरीके से ये वर्किंग कंडीशन के आधार पे सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं। तो वर्किंग कंडीशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह का सेक्टर होगा। एक होगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा हम लोग का अगर बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे पहले बात कीजिए, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या, तो वेयर दे आर रेगुलर, जहां पे भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, बेटर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, फिक्स वर्किंग आवर्स, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो वो जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाती है। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये फायदा है, क्या क्या फायदा है, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंसी है, बेटर वेजेस, ज्यादा से ज्यादा उसको बेहतरी मतलब सही मायने में उसको जो मिलना चाहिए वो उसको मिले, जितना काम वो करता है उसके हिसाब से उसको रुपया मिले, गुड वर्किंग कंडीशन है, मतलब गुड वर्किंग कंडीशन कहने का मतलब कि जहाँ वो काम करता हो उसके लिए वहाँ का माहौल ठीक हो, वहाँ उसका जो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी हो इस तरीके से, साथ ही साथ उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं कि आज काम मिले कल, ज़रूरी नहीं कि उसको काम मिलेगा, तो जॉब की सिक्योरिटी ज़रूरी है।
फिक्स्ड वर्किंग आवर हो। फिक्स वर्किंग आवर कब होगा? फिक्स वर्किंग आवर तभी होगा जब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे। ऐसे आप जाते हैं 3 घंटा के लिए काम करने के लिए और काम करना पड़ता है आपको 5 घंटा, पैसा मिलता है 3 ही घंटे का। लेकिन यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर रहेगा तो फिक्स वर्किंग आवर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, और ये फिक्स वर्किंग आवर से अगर ज़्यादा काम करिएगा तो आपको उसका आउट, मतलब जिसको क्या कहते हैं, ओवर टाइम आपको मिलेगा, है ना। साथ ही साथ और क्या है, तो आपको लीव मिलता है, यानी पेड लीव मिलता है। लीव सी मत कहिए, आप कहिए उसको कि पेड लीव्स मिलता है, यानी कि उसके वो वैसे चीज, वैसी छुट्टी आपको मिलती है जिसके लिए आपको पैसा भी मिलता है और आप छुट्टी पे भी रहते हैं, तो पेड लीव्स है। उसके बाद फिर अब बात करें तो मेडिकल, खास करके मेडिकल तो सभी को मिलता है, लेकिन जो बेहतरीन और बेसिक बात अगर मेडिकल की करें तो मैटरनिटी लीव जिसको हम लोग कहते हैं, मेडिकल मैटरनिटी, खास करके औरतों को ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है मैटरनिटी लीव, तो ये मैटरनिटी लीव मिलती है। ऐसे कई जगह पे मैटरनिटी लीव की भी बात होती है, यानी कोई व्यक्ति अगर पिता बनता है तो उस व्यक्ति को भी, महिला को तो मिलता ही है छुट्टी 6 महीना या 1 ईयर के लिए, और वो उसका पैसा भी उसको मिलता है अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो। साथ ही साथ आपको वहाँ पे बहुत सारे पेड हॉलीडेज होते हैं, यानी कि जो छुट्टी का दिन होता है सबके लिए, उस दिन अगर उस दिन सबका छुट्टी होता है फिर भी आपको उसका पैसा उस दिन का मिलता है। लेकिन जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब आप काम करते हैं तभी पैसा मिलता है, जब आप काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ क्या क्या डिमेरिट्स है, या कह सकते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले तो है इरेगुलर इम्प्लॉयमेंट, उसके बाद लेस वेजेस, काम के हिसाब से उनको सही पैसा नहीं मिल पाता है, पुअर वर्किंग कंडीशन होता है, साथ ही साथ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, नो जॉब सिक्योरिटी, लॉन्ग वर्किंग आवर होते हैं, यानी कि काम करने का समय यहाँ फिक्स नहीं होता है, किसी भी तरीके की छुट्टी नहीं मिलती है, आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, कोई पे हॉलीडे नहीं होता है, यानी कि जब सबकी छुट्टी होती है, एक तो पेड लीव होता ही होता है, यानी सबका वर्किंग डे है तो आप लीव पे रहते हो तो आपको पैसा मिलता है। साथ ही साथ यहाँ वो भी फैसिलिटी है और ये भी फैसिलिटी नहीं है कि अगर जैसे दशहरा का छुट्टी हुआ तो उस छुट्टी का आपको पैसा मिलेगा, नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन ही आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है जो इसको इनसिक्योर बनाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद हमने देखा ओनरशिप के आधार पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, है ना, उसके बाद वर्किंग कंडीशन के आधार पे हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा इसको, आगे समझते हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या है। तो ये जीडीपी जो है वो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब यहाँ पे बात ये समझनी चाहिए कि फाइनल गुड्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले पूरा डेफिनेशन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। एक साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है हर एक सेक्टर का, और ये टोटल प्रोडक्शन जितना हुआ है उस प्रोडक्शन के वैल्यू कितना है, यानी कि उस फाइनल गुड्स का कीमत कितना है, उस वैल्यू को ही हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में कैलकुलेट करते हैं।
सम ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑल थ्री सेक्टर्स, जितने भी तीनों सेक्टर में जो फाइनल गुड्स बने सबका जो सम है यानी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है पूरे कंट्री का। तो ये होता क्या है, तो इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। एक साल में तीनों सेक्टर को मिला के जितना फाइनल गुड्स बनता है उसकी वैल्यू को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा, इसका एक मेथड है और कम्प्लेक्स मेथड है, बड़े आसानी से नहीं ये चीज़ें होती है। जैसे कि अगर आप बिस्किट का एग्जांपल ले लें, तो बिस्किट का कैसे कैलकुलेट करें, तो बिस्किट में जो कैलकुलेशन होगा वो गेहूं के और चीनी के कॉस्टिंग का कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि उस गेहूं और चीनी को इस बिस्किट बनाने में यूज़ किया गया, तो फाइनल गुड्स हमारे लिए बिस्किट है, तो उसमें से बिस्किट का यूज़ किया जाए। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में वैसे ही चीज़ों को के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो किसी दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हुआ हो। प्राइमरी सेक्टर में वो फाइनल गुड्स के रूप में आया और वही कंज्यूम हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में आया और सेकेंडरी सेक्टर से फाइनल गुड्स बनने के बाद वही कंज्यूम हो गए, तो हर एक सेक्टर से निकलने वाले वो कंज्यूमेबल फाइनल गुड्स जो है उसके वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर से निकला और सेकेंडरी सेक्टर में कैपिटल के रूप में इन्वॉल्व हो गया और उससे फिर फाइनल गुड्स बना तो प्राइमरी सेक्टर वाला वो चीज इंक्लूड हो गया, यहाँ वो चीज इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ बात आ रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। कहता है कि दिस इज द सिचुएशन वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। और उसकी क्षमता के अनुसार काम तो कर रहे होते लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार उनको काम नहीं मिला होता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो व्यक्ति अंडर एम्प्लॉयड है। यानी कि एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आईएएस बनने की क्षमता रखता हो और एक प्यून बन जाए तो उसको कहेंगे कि वो व्यक्ति अंडर एम्प्लॉयड है। तो इस तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। छुपी हुई बेरोजगारी प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, खास करके एग्रीकल्चर में। तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंसी को बढ़ाने के लिए लोगों को मिनिमम जो जीने का जो अधिकार है उसके तहत जो मिनिमम अमाउंट चाहिए पर ईयर जिससे उनका जीवन यापन हो सके, उसके लिए सरकार ने 2005 में एक व्यवस्था लाई थी, एक एक्ट बना के, उस एक्ट का नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको आप हमेशा ध्यान रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है मनरेगा से रिलेटेड। तो ये मनरेगा की जो शुरुआत 2005 में हुई थी इसके तहत उन लोगों को गारंटी दी गई 100 डेज के एम्प्लॉयमेंसी का, 100 डेज के एम्प्लॉयमेंसी का उनको गारंटी दिया गया। इफ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यदि गवर्नमेंट फेल हो जाती है उनको एम्प्लॉयमेंट देने में तो वो क्या करेगी, उस व्यक्ति को जिसको एम्प्लॉयमेंसी कम से कम साल में 100 दिन नहीं मिला है उसको अलाउंस देगी यानी बेरोजगारी भत्ता देगी, बेरोजगारी भत्ता उसका अधिकार बन जाता है। और इस आधार से हम कह सकते हैं कि भारत में सबको जॉब सिक्योरिटी मिली है कि सबको कम से कम इतना तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा कि वो अपने जीवन यापन कर सके। अब यहाँ देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिस्कशन किया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर इट कवर्स दो इंटरप्राइजेज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। तो इस तरीके जहाँ पे आपका वर्क का एश्योरेशन रहता है, आप निश्चितता रहती है कि आपको काम मिलेगा ही, पूरे साल आप काम करेंगे, है ना, कई सारे फैसिलिटीज होते हैं जिसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रथम रूप से है, वेटर वेजेस,
गुड वर्किंग आवर, गुड वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, फिक्स वर्किंग आवर, पेड लीव, मेडिकल फैसिलिटी में मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स, और पेड हॉलीडेज आपको मिलता है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है। दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात हम लोग करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। ये छोटे छोटे बिखरे हुए यूनिट है जो काफ़ी संख्या में है और ये लार्जली आउटसाइड होते हैं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी छोटे लेवल पे भी ये होते हैं। कई सारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में भी काम करते हैं, एनजीओज के रूप में भी काम करते हैं, तो ये उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन तो होता है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है विलिंगली और नॉन विलिंगली। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है ना, लेस वेजेस है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, नो जॉब सिक्योरिटी है, लॉन्ग वर्किंग आवर है, किसी भी तरीके का पेड लीव्स आपको नहीं मिलता है और किसी भी तरीके का पेड हॉलीडे भी यहाँ आपको नहीं मिलता। फिर उसके बाद नंबर आता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि वैसा सेक्टर जिसमें मालिक कौन हो, सरकार हो, तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है, और वैसा सेक्टर जिसमें मालिक कौन हो, तो मालिक कोई इंडिविजुअल हो, तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो हम लोग मनरेगा की बात कर रहे थे, तो मनरेगा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसका और क्या क्या फीचर्स है, तो एक एक करके देखें। सबसे पहले हंड्रेड डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। पहला, अब यदि एम्प्लॉयमेंसी नहीं मिला तो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ गवर्नमेंट फेल्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंसी देने में गवर्नमेंट फेल हो जाए तो उसको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है, यानी बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। यहाँ पे इन्फोर्सेस है राइट टू वर्क, यानी कि संविधान के द्वारा राइट टू वर्क का अधिकार दिया गया, उसको लागू किया गया। और क्या इन्फोर्स करता है, तो इन्फोर्सेस इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। और क्या है, टारगेट्स, ये किन लोगों को ज्यादातर मिलता है, तो इसमें एससी एसटी एंड पुअर वुमेन को टारगेट किया गया है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ वन थर्ड बेनिफिशियरीज जो है वो इसमें विमेन ही होती है। इसमें ये सिस्टम बनाया गया है कि विमेन की संख्या ज्यादा हो, उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंसी प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमारा था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत, गारंटी योजना के तहत जो एक्ट बनाया गया है 2005 में, वो क्या क्या उसका महत्व है, क्या क्या कार्य उसके अंतर्गत होता है।
अब थोड़ा हम टर्शियरी सेक्टर का जिक्र कर लेते हैं कि टर्शियरी सेक्टर आज इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। पता इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी जो हैं वो हर एक देश के लिए जरूरी चीज़ें, और ये जितने भी सर्विसेज हैं ये कोई फाइनल गुड्स नहीं बनाता, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, और यही कारण है कि ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तभी डेवलप हो सकता है जब ये सारी सर्विसेज डेवलप होंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। सो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर विल बी द डिमांड ऑफ सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, वैसे वैसे ये सर्विस सेक्टर जो है वो टर्शियरी सेक्टर है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। तो एज द इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है, सर्विसेज जो है वो नए नए तरीके के जनरेट हो रहे हैं। तो नए सर्विसेज में देखिए क्या क्या है, हम लोग खाना बाहर खाने जाते हैं तो ईटिंग आउट यानी कि होटल रेस्टोरेंट का सर्विसेज बढ़ रहा है। टूरिज्म, तो इसमें देखिए इन मोटेल का टूरिज्म के कारण इन यानी कि सराय, जो ठहरने वाला बड़ा बड़ा हॉल होता है, मोटेल जिसको कहते हैं, तो टूरिज्म में ये ज़्यादा काफ़ी मायने रखता है। शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल ट्रेनर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सर्विसेज जो है वो नए तरीके की सर्विसेज है और ये बढ़ रही है। जैसे आजकल लोग टैक्स जब पे करने लगे हैं तो टैक्स असिस्टेंट, टैक्स जो भरने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट से बैठते हैं और उनको आपका टैक्स भरना रहता है तो वो आपके टैक्स फिलिंग करते हैं, टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो छोटे से शहर से लेके बड़े शहर तक इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नए टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं, तो सर्विसेज भी नए तरीके के होते जा रहे हैं। जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण ये हमारे जीवन का आज एक इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट बन चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सर्विस सेक्टर को देख रहे हैं कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो इस तरीके बोला जाए।